अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा कुछ स्पेशल था क्योंकि आज वन एंड ओनली आज चाय वाला हमारी यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। तो YouTube वीडियोस के अंदर तो हमने काफ़ी बार उनको देखा है, मगर मैंने कभी रियल लाइफ में नहीं देखा। तो रियल लाइफ के अंदर फेस टू फेस आई विल ऑल्सो ट्राई टू टेक सेल्फी और वीडियो विद देम, देखते हैं क्या होता है सीन। उन्होंने तकरीबन आना है कोई 12 बजे के करीब, बस आने वाले ही हैं। तो विल मीट इनको, देखते हैं क्या टोर शोर से आते हैं। हमेशा तो यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी टफ डिसीजन है उनको बुलाना यहाँ पर। तो होप्स हो कि आप परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो तो डिग्रीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं और कहते हैं जॉब करो। देखते हैं अब क्या होता है, जॉब करो या बिजनेस करो, लेट्स सी। क्यों मजाक कर रहे हो ना यार, यू डिजर्व शायद अनवर जब आपको गरीब हो बोलता है। मुझे क्या ड्राइव किया था बाहर जाना, पहली बार ड्राइव किया था मुझे साइकिल देनी, दूसरी बार क्या ड्राइव किया था हमारे घर फाके चल रहे थे, फाके तो नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे घर उतार पे चल रहा था। मैं आया अम्मी रोड ही, मैं कि क्यों रोड है, आई एम क्राइंग बिकॉज़ वो पहले बताती नहीं थी, पूछ लिया अबू का एक्सीडेंट हो गया ना, आप वो टैक्सी नहीं चला सकते, ठीक है आप वो घर बैठे हुए हैं, उधार लेके फीस दे ही जा रही है, उधार लेके चीज कराई, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं मर दूँ ना, शायद 14-15 साल जो भी उम्र थी, अच्छा नहीं मैं जाके काम करूंगा, नहीं तू मैटर करेगा, मैं ना मैटर नहीं करूंगा, ताया को दे रहे तू मैटर करेगा, मैं मैटर नहीं करूँगा, हमको वर्क मैंने काम किया भाई, जॉब ले कल मुखी को दुकान पर खड़ा हो गया, ऐसी एक तो रेस्टोरेंट में काम करता था, शाम को सुबह दुकान में काम करता था, मैंने ये फटे हुए दिखाना शुरू कर दिया, दैट्स अ बुक, नथिंग एल्स कैन ट्राई। बचपन में बताया जाता है बच्चों को शुभला शुभला खा जाएगा, शुभला आ जाएगा, जिन बाबा आ जाएगा, सो जाओ चाय बेच सकते हैं, बन रही अभी चाय बेच, अरे गुलाब के फूल चाय जब आपको गरीबों बोलता है काम रहे हो राइट नाउ, आपके अम्मी अबू पैसे दे रहे हैं, जब दुनिया में उतरोगे ना फिर पता चलेगा, फिर हम देखेंगे दांत किसके निकल रहे हैं। आई एम गिविंग यू हार्ट टू हार्ट फ्रॉम माय ब्रदर टू ब्रदर, हमारे यहाँ कोई गंदा नहीं था, टू टीच यू हाउ टू मेक मनी, इसलिए मैं गरीब है, यू हैव टू स्टार्ट अपने आप को कीमती बनाना। आप ये जो होता है ना कि यार मैं जी इंजीनियर हूँ, यस मैं ये नहीं काम कर सकता, ये जो आप लेबर कपड़े पे लगाते हो और लोग के आप पे लगाएंगे कि जी मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये नहीं काम कर सकता, वो नहीं काम कर सकता, वो बैठ गए बाइबल क्लास में क्वेश्चन, यहाँ पे जॉब कौन करता है, आप क्या भी करते हैं, आज स्टूडेंट बट जॉब करता हो, यू स्टूडेंट जॉब करता और कौन करता है, माशाल्लाह दैट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग नंबर। आप लोगों को एज अ स्टूडेंट जॉब भी करनी चाहिए, यू नीड टू हैव अदर सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, जॉब आपको एजुकेशन देगी, आप उसको इनकम सोर्स ना समझिए, आप उसको एजुकेशन सोर्स समझिए। आपके कल जो भी करियर्स होंगे मैं आपको अभी बता दूं, 90% ऑफ यू आर नॉट गोना डू जिसकी डिग्री आप ले रहे हो, जिसकी क्वालिफिकेशन आप ले रहे हो, ये पाकिस्तान का एक दस्तूर है, सो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द आउट ऑफ वर्ल्ड, और अगर आप अभी जॉब करोगे ना तो आपको वो सारे ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप देखते हो स्टीव जॉब्स ने वो फोन बनाया था, फोन कुछ और उससे पहले उसने बनाया था वो आईपॉड, और उसने मैक बनाया था, मैक की और विंडोज की सबसे बड़ी पता क्या चीज थी, डिफरेंस इसका यूजर इंटरफेस था,
सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस कराया था। उसने कहां से सीखा कि भाई यूजर इंटरफेस भी होता है। स्टीव जॉब्स वर्क एट ज़ेरॉक्स, ज़ेरॉक्स प्रिंटर बनाने वाले हैं। आपको पता है प्रिंटर में आप जाते हो वहां पे बटन दबाना पड़ता है, 1 कॉपी 2 कॉपी, कभी उसकी थोड़ी सी एलसीडी होती है। उसको कहां से इंस्पिरेशन मिली एंड ही वेंट एंड क्रिएटेड द जो आप आईफोन इस्तेमाल करते हो या जो स्मार्टफोन वाला जॉनर है। नेटफ्लिक्स यहाँ पे सभी को पता है क्या है, नेटफ्लिक्स के मालिक यूज टू वर्क इन अ प्लेस जहाँ पे सीडीज रेंट आउट होती है। तो उनको वहां से एक्सपीरियंस आ गया कि यार सीडी रेंटर भी कोई कारोबार है। नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग की सर्विस भी शुरू की थी। Netflix started as a CD rental business. तो उन्होंने वहां से सीखा अपना, उनके एक co-founder है, दूसरे का क्या तजुर्बा था, दूसरे ने वो रेंट करता था, एक बार उसने अपनी सीडी वापस ना की तो उसको $40 का फाइन पड़ गया। उसको समझ में आया कि यार दैट शुड बी अ बेटर वे। मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मैं एक जगह ये एक जगह एंड वहां से एक दूसरे को शाउट कर सकते हैं बट आवाज नहीं पहुंचेगी। जब हम आमने सामने बैठे ना, we'll come to a mutual agreement. अच्छा, you know, you have to hear me out. I have to hear them. इनका स्टांस क्या है, मेरा स्टांस क्या है, फिर हम एक दरमियाना ग्राउंड को रीच कर सकते हैं। But regardless of that, यूनिवर्सिटी का एक बेनिफिट आपको लाजमन होता है, that is networking. आप एक दूसरे को जानो, मिलो, become an extrovert, because आखिरकार when you go out in the world, जब आपको असली वाले खटे पड़ेंगे ना, तो these people will open doors for you. These people come and rescue you. या आप यहाँ से अगर कारोबार करने निकले हो तो find your co-founders here. So anybody think मैं super confident बंदा हूँ? नहीं सर। कोई नहीं। ये मेरा third है lecture on stage and I feel nervous. डर मेरे में भी है, डर आप में भी होगा business करने। जितना आपके डर में है ना, अंदर है ना डर business का, वो करने से मिट जाएगा। मैं भी यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ ना, तो मैं ही अगर यूनिवर्सिटी में चला, मेरा भी आहिस्ता आहिस्ता डर मिट जाएगा। पर आई एम नॉट परफेक्ट, परफेक्शन तब आती है व्हेन यू एक्चुअली डू समथिंग। सर हम आपके वीडियो वगैरह देखते हैं, अभी आप मोटिवेशन हमें दे रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे, हम कोई ऑनलाइन बिजनेस ऐसा करेंगे, मसलन मुझे चंद दोस्तों के आए हैं इनविटेशन कि आप ये बिजनेस ज्वाइन करें, आप ऐसे करें, आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो हम उधर ट्रैप हो जाते हैं। सर काइंडली इस रिलेटेड हमें बताएं कि हम इससे कैसे बचें और कैसे ऑनलाइन हमें यहाँ पे सिनेमा मुझे कहते हैं आप बेवकूफ को पाकिस्तान चले गए।
there was a realization meri zindagi mein ki paisa is not everything. Yeah. Par usko main paisa jitna kama raha hu. कुछ भी करना चाहूँ कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट मेरे दो पेड़ नहीं लग जाते. मुझे इस उम्मत की सबसे बड़ी कंट्री के साथ अल्लाह ने वापस्ता किया. इवन दो आई एम बोर्न इन यूके, लेकिन वालद साहब मेरे यहाँ के हैं. तो मैंने कहा यार इसको जाके पॉप अप करते हैं. अगर इसकी सबसे बड़ी आर्मी है ना, वो किसी काम की नहीं है अनलेस कि इसकी इकॉनमी में तगड़ी करो, इकॉनमी तगड़ी करो ताकि ये आर्मी हम बाकी मुसलमान को बचा सके. तो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट. क्यों? और प्लस मैं क्या करता था, मैं अपने पैसे से चैरिटी करता था. जब मैं चैरिटी करता था तो एक फोन क्या, उसने मुझे ना शदीद मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया. तो उन्होंने मेरे बहुत सारी कंपनीज ब्लॉक की, बहुत सारा कुछ किया. मैंने कहा ठीक है मशहूर, मुझे रोका ना, मैं अपनी 1 मिलियन कॉपीज बनाऊंगा. किस किस को रोकेगा? ठीक है. तो अब मैं क्योंकि चैरिटी, आप मुझे मना कर, इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, वो नहीं कर सकते. तो क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग टू बी दैट एवेन्यू जिसकी वजह से अब ईरान पे सैंक्शन लगे हैं. क्रिप्टो करेंसी भी तो सैंक्शन ही लगा सकते हैं, उसका अब्बा अमरीका थोड़ी है. दैट्स व्हाई लाइक क्रिप्टो करेंसी, बट बिटकॉइन इन पर्टिकुलर. पैसा नहीं इस्तेमाल होता करप्शन के लिए, लेकिन हमारे खिलाफ भी तो होता है ना, हमारे खिलाफ भी तो होता है ना. हमें हमें उसको गुलाम बनाया जाता है. तुझे प्रिंट कर लो दस जो मर्जी, यानी आप नहीं कर सकते तो होने दो, उसको जाके पकड़ो, उनका मामला है. वैसे भी तो करेंसी होती है ना इस्तेमाल. अच्छा पेपर कब आएगी? जब आप सारे अमीर हो जाएंगे ना, और उसको पता होगा कि भाई मैं वहां पे जाऊंगी मुझे फायदा होगा, तब आएगी. Everyone, please be seated. एक असत बात, आपने क्या सबक हासिल किया? What are you going to do? यहाँ से जब निकलोगे? नियुक्ति बनाएंगे. अपने आप को कीमती बनाओगे. नियुक्ति बनाएंगे. अपने आप को कीमती बनाओगे. सिंपल है. अपने सभी वैज्ञानिकों को बढ़ा. मार्क्स बनाओगे. I humbly request Director DSA Sartar Askar to present a token of appreciation to our speaker guest Sir Azhar. Thank you for all the love, support and guidance. Thank you and have a good day. Assalamu alaikum sir. अपनी मैं छोटी चीज है ना, सिर्फ एक पिक्चर, प्लीज टाइम है कि नहीं, टाइम है कि नहीं. तो इस व्लॉग यहाँ पर ही एंड करते हैं. मैंने तो काफ़ी कुछ सीखा है ज़ाद भाई से. होप सो आपने भी सीखा हो और आप अपनी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.